फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना कि हम तो जो है शो की कहानी इतना ज़्यादा मोड़ देते हैं, वजह होती है टीआरपी। कई बार हम न्यू एंट्री देकर जो है ट्रायंगल लव दिखा देते हैं, या फिर जो है ओल्ड लेडी शो में कपल को अलग कर देते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर जो है शो के कपल को अलग किया जाता है तो टीआरपी काफ़ी हद तक बढ़ती है। तो ऐसे में जो शो लिस्ट में आए हैं कि जो इतने बेस्ट कपल थे उन्हें जो है टीवी शो में अलग करके जो है मेकर्स ने कई बार शो को बर्बाद कर दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे, आजकल चर्चाओं में चल रहा है आपका प्यारा अनुपमा शो। अनुपमा शो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि उनके समर की मौज जो दिखा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में कई दिन से न्यूज़ वायरल हो रही थी कि अनुपमा और अनुज अब अलग हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोमो आते ही, जो लेटेस्ट प्रोमो आया है जहाँ पे अनुपमा अनुज से जो है उस तरह से रिएक्ट कर रही है, बिल्कुल साफ लग रहा है कि मान अब अलग होने वाले हैं। तो क्या वाकई ही शो में लीप आएगा और दोनों अलग हो जाएंगे? ये अनुपमा का पहला लीप होगा। ऐसे में मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मान को अलग करने से टीआरपी बढ़ जाएगी। पहले भी मान जब अलग हुए थे तो टीआरपी बढ़ी थी। इस बार क्या वाकई ही राजन साई का मोस्ट पॉपुलर शो में मान अलग होंगे, अनुप यानी कि अनुज, अनुपमा और अनुज? तो क्या वाकई ही शो की टीआरपी बढ़ेगी? देखते हैं। फिर आता है आपका प्यारा कुंडली भाग्य, जहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में आपकी प्रीता और करण जो हैं हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते थे, दो एक हफ्ता ही प्यार रोमांस दिखाते थे और फिर अलग हो जाते थे। ऐसे में फैंस परेशान हो गए और शो की टीआरपी तुरंत डाउन हो गई। फिर आता है आपका कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य जैसा शो फैंस ने कई बार ट्रोल किया है कि आप अभी क्या को फिर मिलवाते ही क्यों हो, जरा सा मिलवाते और तुरंत लीप दे देते हो। तो इस शो की कहानी में हमेशा ही जो जोड़ी है वो अलग ही रही है, फिर चाहे अभिज्ञा के टाइम में देख लो या फिर आप परणवीर के टाइम में देख लीजिए। रणबीर और प्राची हमेशा ही अलग रहते हैं, दूरियां बनी रहती हैं। आप भाई एकता को समझना चाहिए, लगातार अगर आप एक ही ट्रैक दिखाएंगे तो फैंस टीआरपी निकाल कर नहीं देंगे। फिर आता है आपका प्यारा गुम है किसी के प्यार में। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा कि शो जो है हमेशा यही रहा, साई और विराट को अलग करते रहा। ऐसे में फैंस ने कई बार कहा साई रात को एक कर दीजिए, लेकिन मेकर्स ने नहीं मानी क्योंकि मेकर्स को तो टीआरपी से मतलब था, टीआरपी निकल रही थी। इसी वजह से मेकर्स ने जो है फैंस की नहीं सुनी और लास्ट में बस हल्का सा दिखा दिया, हाँ साई रात एक हो गए। ऐसे में ये रिश्ता क्या कहलाता में आपके कायरा यानी कि सेकंड जनरेशन में भी कई बार जो है आपके कार्तिक और नायरा को अलग करते हुए दिखाया है। ऐसे में टीआरपी बढ़ी भी है। ऐसे में यही ट्रिक जो है आपके जो है थर्ड जनरेशन में राजन साई ने अभीरा के साथ किया, लेकिन उससे फैंस काफ़ी नाराज हो गए और शो की टीआरपी काफ़ी डाउन हो गई। ऐसे में ये शो ऐसे हैं जो कि टीआरपी के मारे बेस्ट मोस्ट पॉपुलर जो है रियल कपल को जो है शो में अलग किया, फैंस का दिल टूट गया। ऐसे में जो है अब अनुपमा के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है राजन साई के शो की टीआरपी बढ़ेगी या कम होगी या फिर जो है देखते हैं क्या होती है? तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।